एक पर्टिकुलर डेट पर एग्जाम होगा और उस एग्जाम में शामिल होने वाले बच्चों जो कि प्रेजेंट है उनकी एक लिस्ट तैयार करना, उसके लिए एक एप्लीकेशन बनाना और जो बच्चे एब्सेंट है उसके लिए। तो ये कैसे होगा, आइए चलिए देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस मैंने ओपन कर रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको कि किस प्रकार से आपको लेना है। यहाँ पर देखिए फील्ड नेम में रोल नंबर लिखा है और डेटा टाइप मैंने ऑटो नंबर रखा है, यहाँ से आप डेटा टाइप चूज कर सकते हैं इजिली, ठीक है। और ये फिर नेम ऑफ स्टूडेंट है और इसे मैंने शॉर्ट टेक्स्ट रखा है। फिर यहाँ एक डेट लिया है जिस डेट पर एग्जाम होना है और वो पर्टिकुलर डेट है 11/5/2021, इसी डेट पर अगर एग्जाम होता है तब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये तो एक एग्जाम्पल है और यहाँ पे प्रेजेंट ऑब्लिक एब्सेंट को यस और नो डेटा टाइप दे दिया है और यहाँ पर प्रेजेंट के लिए पी यूज किया है और यहाँ पर ड्रॉप डाउन मैंने बना दिया है। ड्रॉप डाउन कैसे बनाया है, यहाँ पर जाकर के फिर लुकअप विजार्ड पे जाकर के और फिर आई विल टाइप द वैल्यू दैट आई वॉन्ट पे जाकर के फिर नेक्स्ट पे जाकर के फिर यहाँ पी लिखा प्रेजेंट के लिए और यहाँ पर ए लिखा एब्सेंट के लिए। तो बस इतना ही करना है और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से फिनिश कर देना है। तो ये इस तरह का टेबल आप तैयार कर पाएंगे, ये देखिए। और इसमें मैंने कुछ फिल भी कर दिया है डेटा, ठीक है। जहां पर टिक होगा वहां पर आपको प्रेजेंट लिखना है यानी पी लिखना है और जहां पर अनटिक होगा वहां पे ए लिखना है यानी एब्सेंट लिखना है। आप यहां से ड्रॉप डाउन से चूज कर सकते हैं इजिली, ठीक है, इसीलिए मैंने ड्रॉप डाउन बनाया। तो ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया, अब क्या करना है हमें, अब सिंपली इसको सेव कर लेना है। तो सेव कर लिया, अब हमें कहां चलना है, अब हम फॉर्म बनाएंगे। तो फॉर्म बनाने के लिए हमें क्रिएट पे जाना पड़ेगा और डायरेक्टली फॉर्म बना लेते हैं। तो ये फॉर्म हमारे सामने आ जाएगा, यहाँ से इसे डिजाइन व्यू पे लेकर इसे सेटिंग कर लेंगे हम। सेटिंग थोड़ा सा ये प्रॉपर वे में दिखे तो यहाँ से इसको छोटा कर लेंगे, ये इस तरीके से इतना छोटा, ठीक है। और हम चाहते हैं कि ये बैकग्राउंड भी हम चेंज कर लें, तो बैकग्राउंड पे क्लिक करके और यहाँ से होम पे जा करके और यहाँ से बैकग्राउंड का कलर जो आप चाहते हो जैसा चाहते हो वैसा आप लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और ये टेक्स्ट जो लिखा हुआ है इसको भी हम एक कलर में पर्टिकुलर कलर प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ब्लैक कलर में दे देता हूँ और इसे बोल्ड भी कर देता हूँ ताकि ये अच्छे से दिखे, ठीक है। यहाँ से डिजाइन पे जाना है और यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स चूज कर लेना है। एक टेक्स्ट बॉक्स लेकर के आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर इसको ड्रैग करवा सकते हैं, ठीक है। ये ड्रैग करवाया हमने, जैसे ड्रैग करवाएंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट 17 आ रहा है, ठीक है। और टेक्स्ट 17 जो है हमें हटाना है, तो ये कैप्शन से टेक्स्ट 17 हटा देता हूं और यहां पे लिख देता हूं प्रेजेंट, ठीक है। तो ये प्रेजेंट लिख दिया हमने, अब हमें यहां पर टेक्स्ट बॉक्स जो बनाना है, यहां पे देख सकते हैं ये प्रेजेंट लिखा हुआ आ ही गया है। और इसका भी कलर अगर सेम बनाना चाहते हैं आप तो ये फॉर्मेट प्रिंटर का यूज कर सकते हैं। यहां पे जाइए, फिर होम पे जाइए और होम पे जाने के बाद फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक कीजिए और फिर इस पर क्लिक कर दीजिए, तो ये सेम सेम हो जाएगा। और यही सेम चीज अगर सेकंड वाले पे यानी कि अनबाउंड ये जो टेक्स्ट बॉक्स बना है इस पे भी अप्लाई करना चाहते हैं तो ये ही कर सकते हैं। अब यहाँ से फॉर्म को चूज कर लेते हैं, तो ये हमारा फॉर्म है और यहाँ पर जाना है हमें कहाँ, अनबाउंड टेक्स्ट बॉक्स पे। और अनबाउंड टेक्स्ट बॉक्स पे जाने के बाद कंट्रोल सोर्स पे आ जाइए और कंट्रोल सोर्स पे आने के बाद इसको पहले चेंज कर देते हैं। ये नेम जो आ रहा है यहाँ पे लिख देता हूँ मैं प्रेजेंट, ठीक है। तो ये प्रेजेंट लिख दिया और यहाँ पर आकर के हमें एक फॉर्मूला यूज करना होगा और वो है इज इक्वल टू काउंट इफ करके। तो यहाँ पे काउंट लगाया हमने और काउंट जो है काउंट करके देगा हमें। और आई इफ के बारे में तो आप जानते ही हैं, आई इफ फॉर्मूला मैं पहले भी कई बार सिखा चुका हूँ। तो ये हो गया, अब हमें क्या करना है, ये प्रेजेंट ऑब्लिक एबसेंट यही चीज ले लेनी है। तो यहाँ पे देखिए आपको इसमें प्रेजेंट ऑब्लिक एबसेंट मिल जाएगा, तो ये डबल क्लिक करके ले लीजिए। और इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद इज इक्वल टू का निशान लगाना है और यहाँ पर यस करना है, ठीक है, यस करना है और सिंपली यस लिखना है। डबल नोटेड कॉमा या सिंगल नोटेड कॉमा नहीं देना है, यहाँ पे जीरो दे देना है और दोनों ब्रैकेट क्लोज करके और यहाँ से ओके प्रेस कर दीजिए और ये आपका एप्लीकेशन बन गया है। अब आप इसमें प्रेजेंट वाला जो नंबर है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये प्रेजेंट वाला नंबर यहाँ पे दिखाई पड़ा है, कुल मिला के 6 लोग प्रेजेंट है, ठीक है। आपको मैं दिखा भी देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, ठीक है। इसी तरह से एब्सेंट के लिए भी आप बना सकते हैं बहुत ही इजीली, बहुत ही आसान है तरीका, ठीक है। तो इस तरह से ये एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।